इस सरहदी इलाके में एक बार फिर बमबारी हुई है और बमबारी के बीच में मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इस वक्त आगे आकर जरूर कोशिशें की जा रही है कि कशीदगी को खत्म किया जाए। गजा पट्टी के अंदर जहां पर ताजा हमले हुए हैं और अब तक मरने वालों की तादाद 225 तक जा पहुंची है, ये ऑफिशियल फिगर जो बताए गए हमास की तरफ से। वहीं फ्रांस ने अब गजा में जंगबंदी की करारदाद की तजवीज पेश की है ताकि कम से कम खित्ते के अंदर जो अबतर सूरत हाल गुज़श्ता तकरीबन 7-8 दिनों से है, 4 मई के बाद इस तरह की सूरत हाल है, उसको कम किया जाए। और अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर फ्रांस की तरफ से भी अब आवाज बुलंद की गई है। फ्रांस की तरफ से करारदाद सामने रखी गई है और फ्रांस के बाज़ाब्ता तौर पर पेशकश जब यह हुई है तो उसके साथ साथ किंग जॉर्डन अब्दुल्ला दो जो हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है। और ये माना जा रहा है कि अरब दुनिया का पूरा सपोर्ट जो है वो इस प्रपोजल पे होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ना जंग माहिदा यानी सीज फायर का माहिदा हो सके। एक तरफ से ये हो रहा है जी, दूसरी तरफ से क्या कुछ खबर है, आम शहरियों पर मिसाइल इसराइल बरसाया या फलस्तीन जंगी जुर्म है। इसराइली रुकन पार्लियामेंट का बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब दोनों तरफेन के बीच में घमासान छिड़ी हुई है। इसराइली पार्लियामेंट के सीनियर मेंबर ने इस बात का एतराफ किया है कि दोनों तरफ से हथियारों का आजादाना इस्तेमाल हो रहा है और दोनों तरफ से लोग जो है वो मारे जा रहे हैं जो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक बयान आया है। इधर खबर रसा इदारों के मुताबिक रात भर गजा स्ट्रिप के यानी गजा पट्टी जो है वहां पर रॉकेट दागे गए हैं और तकरीबन 60 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई है, ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। ताम इसमें कितना नुकसान हुआ है इस सिलसिले में अभी तक कोई तफसील जो है वो सामने नहीं आई है, एक तरफ से ये खबर आ रही है। और दूसरी तरफ से ये खबर भी सामने आ रही है कि अगर ये मामला इसी तरीके से चला, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो माहिरीन का मानना है, उनका मानना है कि मशरिक वुस्ता के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल है दोनों आमने सामने हैं और जब जब भी ये दोनों आमने सामने हुए हैं तो फलस्तीन के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, ताहम बाद में हालात बेहतर भी हुए हैं। वेस्ट बैंक के आसपास के एरिया तक अगर ये महदूद रहा तो 1-2 दिनों के अंदर या 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर मामला ठंडा हो सकता है। अगर मामला वेस्ट बैंक से उठकर मस्जिद अक्सा की दहलीज तक आ पहुंचता है तो सूरत हाल एक अलग टर्न ले सकती है, ये माहिरीन का मानना है। और यही वजह है कि इस्लामी मुल्कों के सरबराह भी इस पर पूरी नज़र जो है वो रखे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है बैक चैनल्स के ज़रिए से कि इसराइल पर दबाव बनाया जाए ताकि वो जंगबंदी करें और जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं वो रोके जाएं। वहीं पर हमास के साथ भी कई मुल्कों के रबते जो है वो बहाल हो गए हैं जहां पर उन्हें भी परसू करने की कोशिश की जा रही है, ये डिप्लोमेटिक चैनल से हमारे पास खबर है। लेकिन सबकी नज़रें जो है वो उस इजलास पर मरकूज़ है जो अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर होने जा रहा है जिसके अंदर तैयारियां जो है वो तेज़ की गई है। तैयब अर्दगान हो, जॉर्डन के वजीर खारजा हो, पाकिस्तान के वजीर खारजा हो, लगातार रबते में है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि फिलहाल फिलिस्तीन के जो वजीर खारजा है जिन्हें रिमार्क्स देने हैं, जिन्होंने ओपन डिबेट करनी है, वो अभी तक भी वहां से बाहर नहीं आ पाए हैं। सूरत हाल ऐसी बनाई जा रही है कि वो ना आए, हवाई हमले इतने ज्यादा शिद्दत के साथ किए जा रहे हैं ताकि फिजाइया बहाल ना हो पाए यानी उनका जहाज जो है वो फिलिस्तीन से उड़ ना पाए, इसलिए बड़ी मुश्किलें जो है वो इस वक्त दरपेश फिलिस्तीन के लिए है। ज़राए ब्लाक से जो खबरें सामने आ रही है, आलमी इदारे जो बात सामने रख रहे हैं उनका मानना है कि इजलास के अंदर बात शुरू करनी है वो करनी है फलस्तीन के वजीर खारजा ने, और अगर उनकी आमद नहीं होती है तो उनका कोई मंदूब वहां पर रहता है तो शायद उस तरीके से वो बात को सामने नहीं रख पाएंगे। यही वजह है कि तैयब अर्दगान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरबिया इस बार लगातार इस कोशिश में है कि कोई हल निकाला जाए और ये जो कुश्त खून हो रहा है इस पर किसी न किसी तरीके से रोक लगे।